हेलो फ्रेंड्स, मैं सर शब्बीर हुसैन एंड यू आर वाचिंग फिजियो टॉक। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं नाक से जो ब्लीडिंग होती है, नोज ब्लीडिंग, उसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में क्या कहा जाता है और इस ब्लीडिंग की शुरुआत कहां से होती है, और साथ ही आपको बताएंगे कि इसका मैनेजमेंट किस तरीके से किया जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक देखना बिल्कुल ना भूलें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और क्योंकि बहुत सारा प्रीमियम कंटेंट और गिवअवेज है जो कि स्पेशली अवेलेबल है हमारे चैनल मेंबर्स के लिए। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। दोस्तों, नोज़ ब्लीडिंग आपने कई सारे खेलों में देखी होगी, जैसे कि जो कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स होते हैं जैसे कि फुटबॉल या बॉक्सिंग, इन स्पोर्ट्स में, इन खेलों में आपने देखा होगा कि नोज़ ब्लीडिंग बहुत कॉमन चीज़ होती है, क्योंकि आप जानते हैं जो कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स होते हैं उसमें नोज़ ब्लीडिंग होती है, जिसको कि हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कहते हैं एपिस्टैक्सिस। दोस्तों, नोज़ ब्लीडिंग की शुरुआत होती है हमारे नेज़ल सेप्टम से। दोस्तों, नेज़ल सेप्टम के अंदर कैरोटिड आर्टरी, जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है और एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी है, उसकी ब्रांचेस सप्लाई करती है। तो जो नोज़ ब्लीडिंग की शुरुआत होती है वो होती है हमारे नेज़ल सेप्टम के अंदर इंजरी होने से। दोस्तों, यहाँ पर एक एरिया होता है जिसको हम लिटिल्स एरिया और कैबिस एरिया के नाम से जानते हैं, जो कि एंटीरियर पार्ट ऑफ नेज़ल सेप्टम में मौजूद होता है, जहाँ से ब्लीडिंग की शुरुआत होती है। दोस्तों, इसके अर्ली मैनेजमेंट की बात करें तो जब पेशेंट की ब्लीडिंग स्टार्ट होती है तो वहाँ पर हमारे इनिशियल फेज़ में, इनिशियल मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूँ तो आपको डिजिट से नोज़ के लोअर पार्ट में प्रेशर देना होता है 20 मिनट्स तक, साथ ही कोल्ड कंप्रेशन अप्लाई करना होता है जिससे जो वेसल्स हैं वो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन में जाए और ब्लीडिंग को रोक सके। दोस्तों, अगर फिर भी आपकी ब्लीडिंग ना रुक रही हो तो आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत होती है, और साथ में जब आप डिजिट से प्रेशर लगा रहे हैं तो साथ में आपको कॉटन वूल भी लोअर पार्ट ऑफ नोज़ में रखना होता है और पेशेंट को अपराइट बिठाना होता है सेटिंग पोजीशन के अंदर, और इस तरीके से आप पेशेंट की ब्लीडिंग रोक सकते हैं। और अगर फिर भी पेशेंट की ब्लीडिंग ना रुक रही हो तो आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताया कि नोज़ ब्लीडिंग से, नोज़ से जो ब्लीडिंग होती है उसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हम एपिस्टैक्सिस के नाम से जानते हैं, और इसकी शुरुआत कहाँ से होती है और इसका मैनेजमेंट किस तरीके से होता है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फिजियो टॉक।